दोस्तों, मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया का सबसे खास प्रोग्राम वायरल सच। क्या झूठ है, क्या सच, क्या गलत है, क्या सही, किसने किससे कौन सी बात छिपाई, किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स को खबर को अलग ही तरीके से पेश किया गया, कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ, ये तमाम तरह के ऐसे वो सवाल है जिसका शायद जवाब कभी भी मिलना पॉसिबल नहीं है, कभी भी किसी को संतुष्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्टार से जुड़ी वो जानकारियाँ होती हैं, जो उनकी फिल्म से जुड़ी हो, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, और उन खबरों के बारे में हम जांच पड़ताल कर आप सभी लोगों तक उसकी सच्चाई पहुँचा सकते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़रूर कोशिश करते हैं। वेल, आज के वायरल सच में प्रोग्राम में जिक्र हुआ है खेसारी लाल यादव, और कौन, बिल्कुल उनकी बेटी कृति यादव। भाई कल उनका बर्थडे था, लेकिन कल और आज बिल्कुल खबरों में बनी हुई है, और डेफिनेटली वो कल भी चर्चाओं में बनी हुई रहेंगी। और ये कृति की कामयाबी कह लें कि भाई वो एक फिल्म से इतनी बड़ी स्टार बन गई है, या फिर खेसारी लाल यादव की खुश नसीबी कि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमा रही है। वेल, इस बार खेसारी और कृति को लेकर तमाम तरह की खबरें हैं सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आई है कि आखिरकार खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव के बर्थडे पार्टी में कोई भी बड़ा चेहरा यानी कि जुबलिस्ता दिनेश लाल यादव नहीं रहूंगा, पवन सिंह, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, रितेश पांडे, अरविंद अकेला, ये तमाम वो स्टार है, उनमें से कोई भी स्टार पार्टी में शामिल कोई क्यों नहीं हुआ, और इसके पीछे की वजह क्या है। वेल दोस्तों, बहुत से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स और खेसारी लाल यादव के बहुत ऐसे करीबी दोस्त थे जो इस पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन इसी बीच जब ऐसे सवाल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दर्शकों के दिमाग में ये ज़रूर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कोई भी बड़ा स्टार खेसारी की बेटी के बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं पहुँचा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं उनकी बेटी से जुड़ी और खेसारी लाल यादव से जुड़ी पूरी खबर के पीछे की सच्चाई। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बात करें तो इन दिनों खेसारी लाल यादव ही नहीं बल्कि उनकी बेटी कृति यादव और उनकी पत्नी चंदा यादव सुर्खियों में बने हुए हैं, पूरा परिवार सुर्खियों में बना है। जी हाँ, इसकी वजह क्या है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। आप लोगों को ये बात मालूम है कि खेसारी लाल यादव और उनकी बेटी इन दिनों जो चर्चाओं में बने हुए हैं उसके पीछे की वजह है कृति का बर्थडे। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर देखी गई जो कि खेसारी लाल यादव के परिवार के साथ जुड़ी थी। लेकिन इसी बीच एक और भी खबर है जो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रही है, या यूं कह लें कि एक सवाल है जो लोगों की तरफ से ही पूछा गया है। जी हाँ, और खबर है, कहा जा रहा है कि खेसारी की बेटी के जन्मदिन पार्टी में नहीं पहुंचा है कोई भी बड़ा स्टार। बड़े स्टार में जो नाम आए हैं सामने, निरहुआ, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, रितेश पांडे, अरविंद अकेला कल्लू, ये तमाम तरह के नाम शामिल हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री के ये सुपरस्टार्स या ये हीरो इस पार्टी में शामिल ना हुए हों, लेकिन इसके बावजूद खेसारी लाल यादव की बेटी की जन्मदिन पार्टी में तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर शामिल हुए हैं, जिनकी कई तस्वीरें, कई वीडियो आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा। और रही बात बड़े स्टार्स की, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे पवन सिंह जहां इस समय पर अपनी फिल्म इश्क पर जोर नहीं की शूटिंग रांची में कर रही हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बिजी हैं। वहीं पर काजल राघवानी प्रतिबंध की शूटिंग कर रही हैं अरविंद अकेला कल्लू के साथ, और अक्षरा सिंह को इन्विटेशन नहीं दिया गया, इस तरह की खबरें हैं। और रितेश पांडे भी इस समय पर अपने देवी गीत को लेकर काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। बचे हमारे जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो वो भी इस समय पर अपनी फिल्मों और शूटिंग की वजह से काफी ज्यादा बिजी है, और इसीलिए सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें बताई जा रही हैं कि कोई बड़े स्टार शामिल नहीं हुए, ये कुछ हद तक हम सही भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक गलत भी। जी हाँ, बड़े स्टार्स में शमीम खान जो कि खेसारी लाल यादव के बहुत करीबी दोस्त हैं वो भी शामिल हुए थे, शुभी शर्मा शामिल हुई हैं, मधुकर आनंद जी शामिल हुए हैं, और भी धनंजय मिश्रा जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर इस पार्टी में शामिल हुए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो खबर हम कुछ हद तक सही करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस खबर को पेश किया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पीछे की जो खबर थी उसके बारे में
जानकारी कि किस तरह से खेसारी लाल यादव की बेटी और खेसारी लाल यादव के बीच जो खबरें इस तरीके से वायरल हो रही थी उसके पीछे की सच्चाई क्या थी। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत, लेकिन हाँ कल एक बार फिर से नई खबर नई जानकारी नए अंदाज के साथ लेकर हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे और आप हमारे भोजप्री इंडस्ट्री के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।